जब आपको पता चला कि लॉकडाउन हो रहा है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया? जय माता दी। सबसे पहले जो चीज मेरे मन में आई वो तो यही थी कि ये बीमारी बहुत गंभीर है, जिसकी वजह से ये लॉकडाउन भी हुआ और साथ ही वो सारे कार्यक्रम भी मेरे दिमाग में आए जो इस बीमारी की वजह से रद्द करने पड़े। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा किस चीज को मिस कर रहे हैं? वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें मिस कर रहा हूं, लेकिन सबसे ज्यादा मिस करता हूं जब मुझे छुट्टी होती थी शाम को कॉफी पीने बाहर जाना। अब ये मुश्किल हो गया है, सारा दिन घर पर रहना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये वक्त की जरूरत है, इसीलिए सख्ती से इसका पालन होना चाहिए। लॉकडाउन में आप इतना टाइम पास कैसे करते हैं? सुबह उठता हूं, घर में बने मंदिर में जाता हूँ, नहा धोकर माँ की पूजा करता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, हाँ आजकल रामायण देखता हूँ, ये तो बड़ी कृपा हुई है, कम से कम सबका ध्यान प्रभु राम के चरणों में जाता है। फिर फैमिली के साथ नाश्ता करता हूँ और इसी तरह समय बीत जाता है। लॉकडाउन की वजह से कोई ऐसी बात जो आपको घर रहकर महसूस हुई? बहुत सी बातें पता चली, नौकरों के बावजूद घर की औरतें किचन में कितना काम करती है, घर में रहकर बहुत कुछ किया जा सकता है, सीखा जा सकता है। जो लोग घर रहने से परेशान हो रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज? परेशान ना होइए, ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। आप अपने अपने इष्ट को याद कीजिए, अपने पुराने हुनर को याद कीजिए जो वक्त के साथ आप भूल गए थे, और वो कीजिए जो आप वक्त की कमी के कारण कर नहीं पाए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए चैनल दिव्या।